नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अमित अनिल चंद्र शाह। ये जोड़ी अब अपने अगले अभियान पर निकल चुकी है, एक ऐसे अभियान पर जो बीजेपी का सपना रहा, जो संघ की प्रतिज्ञा रही है और जो उनके साथियों सहयोगियों की सोच रही है। देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस बनाया जाएगा और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। एक जमाने से बीजेपी तमाम विवादास्पद मुद्दों पर आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। राष्ट्रवाद के उसके दायरे में वो मुद्दे बहुत अहमियत रखते हैं। इसी में एक मुद्दा जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा है। कांग्रेस आज संकल्प पत्र में हम जिएंगे तब तक 370 नहीं हटाएंगे की बातें करती है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। पीएम मोदी ने अमित शाह को गृह मंत्री केवल सरकार का हिस्सा बनाने के लिए नहीं बनाया है, अपने इरादों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है, और वो इरादे कोई साधारण इरादे नहीं है। ये है वो मुद्दे जिन पर मोदी और शाह ने बार बार बात की है। ये मुद्दे बीजेपी और संघ की प्राथमिकता में रहे हैं, या यूं कहिए कि बीजेपी ने इन्हीं पर राजनीति शुरू की थी। इन पर जनादेश मांगा गया है, लेकिन अलग अलग कारणों से इन पर मोदी मन माफिक कानून नहीं बना पाए, लेकिन अब इन्हें लेकर उम्मीदें अलग किस्म की हैं। गौर कीजिए, इनमें से हर मुद्दा अमित शाह के गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। धारा 370 और 35 ए को बदलने के लिए निश्चित रूप से प्रभावी रूप से कदम उठाएगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी नई भूमिका में इन मुद्दों का मुकद्दर क्या तय करती है। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में, संघ के मंत्री के रूप में सरकार का समय शुरू हो चुका है। अमित शाह संगठन को आसमान पर पहुंचा चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी के सपने उनकी परीक्षा की परख अलग धरातल पर करेंगे। दोनों का इतिहास कहता है कि जो बीड़ा उन्होंने मिलकर उठाया उसमें वो कभी नाकाम नहीं, परिस्थितियां चाहे जैसी रही। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।